नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं मल्टी कलर का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जिसमें आप अपने सभी बचे हुए ऊन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 3 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा। तीन तीन फंदे हम गिने तो लास्ट में 2 फंदा बचना चाहिए। डिजाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो और डिजाइन अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिजाइन बनाते हैं। तो पहली लाइन में हम बॉर्डर बनाने के बाद पहली लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। यदि अपने प्रोजेक्ट में हमें फंदे बढ़ाने हो तो हम इस लाइन में फंदे बढ़ा सकते हैं। तो पहली लाइन में हम सब फंदे सीधा बुन लेंगे। ये हमारे डिजाइन का लाइन नहीं है, में हमारा डिजाइन रॉन्ग साइड से शुरू होता है। तो अब हम रॉन्ग साइड में हैं और यहाँ पे हम अपने सेकेंडरी कलर को अटैच कर लेंगे। दूसरे रंग के ऊन से हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। ये हमारा पहला लाइन है और रॉन्ग साइड। तो पहली लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे और अब हम फ्रंट साइड में आ जाते हैं। तो पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे और एक बार और हम ऊन को सिलाई पे लपेटेंगे। अब 3 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, 1, 2 और 3। हमने सिलाई पे ऊन लपेटा तो ये जाली जैसा बन गया। अब इसके बाद वाला फंदा यानी 3 फंदे जो हमने बुने हैं, तो पहले फंदे को हम उठाएंगे और इन 2 फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अब फिर उनको सिलाई में लपेट के वापस अपनी तरफ लाएंगे, फिर 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे, 1, 2 और 3। और पहले फंदे को, हमने 3 फंदे को उल्टा बुना है तो पहले फंदे को ऐसे पीछे की तरफ से सिलाई डालेंगे। देखिए, पहले फंदे में हमने सिलाई डाला, अब इसको उठाएंगे और इन 2 फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। यहाँ पे हमने जाली बनाया, एक फंदा बढ़ गया और यहाँ पे हमने पहले फंदे को गिरा दिया तो एक फंदा घट गया, यानी हमारे पास जितने फंदे थे वापस उतने फंदे हो गए। अब फिर उनको हम सिलाई पे लपेट के वापस अपनी तरफ लाएंगे, 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे, 1, 2, 3। और पहले फंदे को हम उठाएंगे और इन 2 फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अब फिर हम उनको सिलाई पे लपेट के वापस अपनी तरफ लाएंगे, 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे, 1, 2 और 3। और पहले फंदे को उठाएंगे और इन 2 फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अब लास्ट फंदा बचा है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में आ जाते हैं और यहाँ पे हम अपने तीसरे कलर को अटैच करेंगे। तो तीसरे कलर के ऊन से हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तीसरे कलर के ऊन से हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे।
तो हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम फिर सामने की तरफ आ गए हैं। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, कून को अपनी ओर करेंगे और दो फंदा उल्टा बुनेंगे, एक दो। अब ऊन चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे और देखिए ये जाली वाला फंदा है। तो इन तीन फंदों को, यानी जाली वाला फंदा हमारा दूसरा फंदा होगा, तो हमने ऊन चढ़ाकर वापस अपनी तरफ ले लिया है और अब तीन फंदों को उल्टा बुनेंगे और पहले फंदे को, बुने हुए तीन फंदों में से पहले फंदे को उठाएंगे और इन दो फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अब फिर उनको चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे, तीन फंदा उल्टा बुनेंगे, एक। अब देखिए ये जाली वाला फंदा हमारा दूसरा फंदा है, दो, तीन। और जाली जो हमने दिया था उसके बाद वाला फंदा, यानी तीन फंदों में से पहले फंदे को उठाएंगे और इन दो फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। तो जाली से फंदा बड़ा है और एक फंदा हमने गिरा दिया, यानी जितने फंदे थे वापस उतने फंदे हो गए। अब फिर उनको चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे, तीन फंदों को उल्टा बुनेंगे, एक। देखिए जाली वाला फंदा दूसरा फंदा है, तो दो और तीन। पहले फंदे को उठाएंगे और इन दो फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अब लास्ट में देखिए दो फंदे बचे हैं, तो एक फंदा उल्टा बुनेंगे और लास्ट फंदा सीधा। अब फिर हम रॉन्ग साइड में आ गए हैं, तो अब हम अपना चौथा कलर अटैच करेंगे और सभी फंदों को उल्टा, यानी रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को उल्टा बुन रहे हैं। डिजाइन हमारा सिर्फ सामने की तरफ से पड़ रहा है, रॉन्ग साइड में हम ऊन के कलर को बदलते जा रहे हैं। हमने चौथे कलर के ऊन से सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम सामने की तरफ हैं, तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा, फिर ऊन सिलाई में चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे और तीन फंदों को उल्टा बुनेंगे। देखिए दूसरा वाला फंदा हमारा जाली वाला फंदा है। इस बात को का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि तीन फंदों में से दूसरा फंदा हमेशा जाली वाला होना चाहिए। तो अब उनको अपनी तरफ लेने के बाद, यानी यहाँ पे हम जाली बना रहे हैं, तो जाली बनाने के बाद तीन फंदे उल्टा बुनेंगे और पहले वाले फंदे को, तीन उल्टे फंदों में से पहले फंदे को हम उठाएंगे और इन तीन बचे हुए दो फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अब फिर हम उनको सिलाई में लपेटकर वापस अपनी तरफ लाएंगे और तीन फंदे उल्टे बनेंगे। देखिए एक दो तीन, दूसरा फंदा जाली वाला फंदा है, एक दो तीन। और पहले फंदे को उठाएंगे और इन दो फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। फिर हम उन लपेट के वापस अपनी तरफ लाएंगे, तीन फंदों को उल्टा बनेंगे और पहले फंदे को उठाएंगे और दो फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। फिर हम ऊन लपेट कर वापस अपनी तरफ लाएंगे, तीन फंदों को उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन। और पहले फंदे को उठाएंगे और दो फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। तो हमारे पास जितने फंदे थे वापस उतने ही फंदे रह गए और देखिए एक खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला गया। तो इस डिज़ाइन का उपयोग करके, इस डिज़ाइन में हम अपने सभी बचे हुए ऊन का उपयोग कर लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा।
दो ही लाइन का ये डिज़ाइन है और दो लाइन के बाद हम ऊन के कलर को बदल दे रहे हैं और देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन गया है। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।